सुल्तानपुर के विधायक ताहिर खान हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इस बार वो नीट की परीक्षा पास करने वाले सत्यम मौर्य के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने परिवार से मुलाकात करते हुए सत्यम को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। 656 मेरिट से के मुकाबले में बहुत ज्यादा देखा जाए। पहले तो लोग 550 पाते थे, तब भी हो जाते थे मेडिकल में, और आज तो जो कंपटीशन के दौर है उसमें 656 एक रिकॉर्ड ऐतिहासिक जो है। आपके स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें सत्यम मौर्य के घर की हैं, और इस औली विधायक ताहिर खान के साथ खड़े ये शख्स सत्यम के पिता हैं, जो इस वक्त गर्व से फूले नहीं समा रहे। और फूले भी क्यों ना, आखिर बेटे ने विषम परिस्थितियों के बावजूद नीट की परीक्षा को पास करते हुए पूरे जिले में परिवार का नाम रोशन कर दिया है। आपको बता दें कि सत्यम ने नीट परीक्षा में 656 अंक हासिल करते हुए जिले में नया रिकॉर्ड बनाया है। सत्यम की इस कामयाबी के बाद विधायक ताहिर खान खुद को रोक न सके और वो सीधे सत्यम के परिवार से मिलने पहुंच गए। सोली विधानसभा का सौभाग्य है और परिवार ब्लॉक में हमारे मोरा जी हमारे दोस्त हैं, सफाई कर्मी हैं, और जब मैं सांसद था तो इनको थोड़ा बहुत प्यार था हमारा इनके ऊपर जरूर था। ईश्वर की कृपा इन पर हुई और अल्लाह इनके बच्चे को सलामत रखे, इनके परिवार को सलामत रखे मौर्या जी के। सुना आपने, विधायक ताहिर खान ने साफ कहा कि सत्यम के पिता उनके पुराने मिलने वाले हैं। इसी के साथ विधायक ने सत्यम को आगे की पढ़ाई के लिए हर मुमकिन मदद देने का भरोसा भी दिया। और इनका बच्चा जो है जो कीर्तिमान स्थापित किया है, हमारी हम लोग दुआएं हैं कि वो MBBS के साथ साथ MS मास्टर डिग्री कोर्स जो है करें, और हम जो जिस लायक हैं खतरा से हम लोग खड़े भी हैं, पूरा इसोली इनके लिए खड़ा है, और जिस लायक है हम लोग आशीर्वाद दुआएं उनके साथ है, बच्चे के साथ मजबूती के साथ और इनके साथ तो ही हमारे बड़े भाई हैं। विधायक ताहिर खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है, लेकिन अब देखना ही होगा कि आखिर विधायक ताहिर खान का ये दावा आगे कितना कारगर साबित होता है। सुल्तानपुर से न्यूज़ 7 नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ 7 नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।